नगर निगम के लिए जी का जंजाल बनी संबल योजना, हितग्राहियों को कार्ड बांटने को लेकर चल रही खींचतान, अधिकारियों कर्मचारियों नेताओं के बीच पिस रहा आम आदमी। नगर निगम इन दिनों तनातनी का अड्डा बन चुका है। आए दिनों किसी न किसी बात को लेकर वहां पर गहमागहमी का माहौल निर्मित हो जाता है। कभी गौमांस, कभी निर्माण कार्य, तो कभी कर्मचारियों की हड़ताल। ताज़ा विवाद संबल योजना को लेकर बने कार्ड वितरण को लेकर है। हम आपको बता दें, गरीबों को लेकर मध्य प्रदेश शासन ने कई योजनाओं को संचालित किया है, उन्हीं में से एक है संबल योजना। मंत्री मध्य प्रदेश शासन ने भारी तामझाम के साथ नवनिर्मित राज कपूर ऑडिटोरियम में कुछ चुनिंदा लोगों को स्मार्ट कार्ड वितरित किया था। बाकी लोगों को यह कार्ड में पार्षदों कर्मचारियों के साथ निगरानी समिति को बांटना था। सारा विवाद यहीं पर आकर फंस गया। निगरानी समिति को सर्वोपरि बनाते हुए भाजपा सरकार ने प्रभारी मंत्री के माध्यम से एक खेल कर दिया। उसने 5 सदस्यीय निगरानी समिति बना डाली। 5 के 5 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। कुछ यही कहते हुए हंगामा कर दिया कांग्रेसी पार्षद दल ने। नगर निगम के अंदर फिर क्या था, हंगामा हो तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विद्या श्रीवास्तव भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें जनता के सुख दुख से ज़्यादा अपने काम की पड़ी थी। उनकी टोन स्टाइल कुछ ऐसी थी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तभी महापौर आ गई। सुलझे हुए नेताओं की तरह उन्होंने बात संभालने की कोशिश की। बात बनने भी लगी थी तभी कमिश्नर भी परिसर में आ गए। उनके गनमैन के कुछ शब्दों ने बनता काम बिगाड़ दिया। एक बार फिर से हंगामा हो गया। सुबह से चले इस हंगामे ने केवल और केवल आम आदमी को परेशान किया। सुनिए आम आदमी की समस्या का निराकरण करने वाले विभाग आम आदमी की कैसी समस्या का निराकरण कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं एक ही दिन में नगर निगम के बदलते रंग, महापौर, कमिश्नर, पार्षद, कर्मचारियों के साथ आम आदमी। कमिश्नर आएंगे तब बात होगी, क्यों बैठेंगे? कमिश्नर साहब आएंगे तो बात होगी। भाई कार्ड आप क्यों नहीं दे रहे हो? कार्ड घर में कार्ड बटता है तो आपको पिरपिरी होती है, पेट में दर्द होता है। नगर निगम आते हैं कार्ड बांटने के लिए, कहते हैं कार्ड सुचारू रूप से बढ़ रहा था, फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में के पेट में दर्द हो गया, फिर उन्होंने कहा कार्ड नहीं बांटना है, बंद कर दिया कार्ड बांटना, और सब लोग कार्ड लिए हैं और लोगों के लोग लौटा दिए, और ये पब्लिक खड़ी है, पब्लिक को ऐसे डांट कर भगाते हैं जैसे कोई भिखारी आया हो। संख्या में लोग आए हुए हैं, क्या समस्या है? और 200-300 लोग हैं और चले गए, इधर उधर आए हम। ये वार्ड नंबर 29 के लोग हैं, हमारे वरिष्ठ पार्षद राम प्रकाश तिवारी डेढ़ू भैया, हमारे अशोक पटेल भी हैं यहाँ पर पार्षद, हमारे वार्ड नंबर 15 के। शुक्रवार को इनके वार्ड में ये मजदूर कार्ड बट रहा, जो कर्मचारी बांट रहे थे वो उनका सहयोग कर रहे थे। जानकारी हुई कि अटल बिहारी जी का स्वर्गवास हो गया, सभी अटल बिहारी जी पूर्व प्रधानमंत्री का स्वर्गवास हो गया है, तो मोहल्ले के लोगों ने कहा कि भैया वह इतने बड़े विभूति भारत रत्न का अगर स्वर्गवास हो गया तो ये कार्यक्रम रोक दिया जाए यहीं पर, और वहीं पर इन लोगों ने उस कार्यक्रम को रद्द किया और शोक सभा करके ये सब चले गए कि अब सब सोमवार को ये काम किया जाएगा। सोमवार को जब इनके घर में डैडू भैया के यहाँ तक पहुँचे तो इन्होंने बताया कि कार्ड तो कर्मचारी ले गए, मेरे को नहीं मालूम है, ये इधर लोग इधर ये बाढ़ के लोग इधर उधर भटक रहे थे सब लोग। डैडू भैया ने जब पता किया तो पता चला कि लोग नगर निगम आ गए हैं, नगर निगम आए, कर्मचारियों को पकड़ा और कार्ड बंटवाना शुरू किया। इतने में इनके पास किसी कर्मचारी के पास फोन आया कि नगर निगम के ही शैलेंद्र शुक्ला और कमिश्नर ने मना कर दिया कि कार्ड यहाँ नहीं बटेगा, जो समिति है वो बांटेगी। हमारा तो सीधा बोलना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, अब उनको समझ में आ गया है कि अब वो उनकी सरकार नहीं आने वाली। बौखलाहट में इस सरकार ने एक निगरानी समिति का गठन किया। निगरानी समिति जो आज तक बनी है उसका ये नियम था कि अगर शहर में निगरानी समिति बनी है तो उसका पार्षद अध्यक्ष होता था, कलेक्टर अनुमोदित करके भेजती थी, प्रभारी मंत्री का दस्तखत होता था। पहली बार ये नियम हुआ है हिंदुस्तान में, शायद पहली बार हुआ होगा कि प्रभारी मंत्री निगरानी समिति बना रहे हैं, और प्रभारी मंत्री ने निगरानी समिति में उनको रखा है जिसको यहाँ के विधायक यहाँ की महापौर ने कहा है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग काम करते हैं उनको रख दिया निगरानी समिति में। पार्षद को नहीं रखा, सरपंचों को नहीं रखा, तो निगरानी समिति के लोग किसी को जानते नहीं हैं कि इनका घर कहाँ है, इनका घर कहाँ है, इनका घर कहाँ है।
वो अपने हिसाब से जब कार्ड ये लोग उनको जानते नहीं, ये उनको जानते हम कार्ड के लिए आए थे तो घर में गए, घर में बुलाएगा, जब वहाँ गए तो वहाँ बोले कि वो यहाँ नहीं बटेगा, वहाँ से उनको भगा दिया गया। यहाँ जब यहाँ आ गए तो यहाँ भी वो वहाँ बांट रहे थे बैठे बैठे, एक जन दो जन का मिला और फिर उनको भगा दिया गया। बताइए हम बच्चे परेशान है, बच्चों को ले आए बीमार आदमी, हम इतना दुख रहा हम गर्मी मन ही पता पान की बट रहा तो दौड़े यहाँ नागा निगम नगामा निगम में कहाँ यह लग जा कहाँ वो लग जा कहाँ वो लग जा बढ़िया जो कहीं के बाबा भी फोट फोट आवे लागे आके मना कर दी नहीं कहीं अच्छे बाप कर रहा है सती सोनी के हाँ बता यहाँ पचे कहाँ नहीं दिए आज तक तू ये मैं के कर रहा है अब ये काम का करी है जब सरकार शासन निकाली से जब नियम तो पूरा करा नहीं पूरा ना कर रहा तो ना नियम नहीं करते तो मैं नहीं ना दौड़ खुद कम शरीर के बुखार चढ़ गई बुखार में आए हैं गोली खा के बकरी आई गोली खा के आए हैं आप आइए बाहर आइए वरिष्ठ हैं और पब्लिक क्या समस्या सुनिए। अरे बात समस्या तो सुन लीजिए भाई, बाबा क्या सुनेंगे पब्लिक क्या समस्या सुनिए। आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय विद्या प्रकाश श्रीवास्तव जी और आप लोग देख रहे हैं कि पब्लिक की समस्या भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग आदरणीय हाथ जोड़ रहे हैं कि एक बार कभी भाई आप समस्या तो सुनिए। ये लोग आ जाइए आगे, आ जाइए महिलाएं, आ जाइए महापौर जी, आइए आ जाइए। कार्ड इनको बता दीजिए कहाँ बटेगा वो भाई। नहीं नहीं जितने लोग यहाँ आ रहे हैं उनको यही बटेगा। धन्यवाद। नहीं बटेगा बटेगा ऐसा नहीं है, नहीं है। इसी तरह है, आज हम सुबह से देख रहे हैं ना गर्मी मनाइए बातों ना हाँ नहीं महापौर निकाल देते हुए नहीं। अगर आपकी पीड़ा को नहीं समझते तो कैसे आते।